ऐसी रहेगा, हमको बोला ऐसे रहेगा। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साहब के लिए, हमारे खासदार साहब राहुल सेवरकर साहब, कि पहली बार इतिहास में हम लोग के पिछले 13 साल से ये मुहिम कर रहे हैं कल सुबह शिखर का दिव्यांग लोगों के लिए। ये साल 14वां साल जब उनको पता चला कि हम लोग ऐसा जाते हैं इतना कठिन परिस्थिति में होते हुए भी, तो उनका पूरा सपोर्ट हमारे लिए, हम उनका पूरा सहयोग हमारे लिए था, और केवल उनका सहयोग नहीं और उनकी पूरी टीम हमारे साथ पहले दिन से जुड़ी हुई है और सब कुछ करने के लिए। तो मैं उनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारी जो ताई है उनका भी बहुत, वहनी ताई है जो, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे दिव्यांग लोग हैं जो जिनके सिर्फ सपने ही रहते हैं, जैसे यहाँ पे रोहिणी जी बैठी है, रेशमा जी है, ललिता है, इनका सपना था कि हमको कलसुबाई शिखर जो महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर है, वहाँ से ऊंचाई से कैसे दुनिया दिखती है और वो किस प्रकार का फीलिंग होगा, और वो सपना लास्ट ईयर रोहिणी जी वहाँ पर टॉप में चढ़ी थी, वो कर पूरा किया कि व्हीलचेयर की पहली व्यक्ति उस जगह पर महाराष्ट्र के सबसे ऊँचे शिखर में पहुँचे थे। सर हम लोग पूरे टोटल 70 लोग हैं, ये सेंटर है दादर, इसके लिए कोई लोग विरार से, कोई लोग वसई से, यहाँ पर हम लोग कुछ करीबन 20-30 लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग 10-15 लोग विक्रोली में खड़े हैं, कुछ लोग मुलुंड में खड़े हैं, और भिवंडी से कुछ लोग मिलने वाले हैं। तो ऐसे हम सब मिलके नासिक से एक टीम आ रही 15 लोगों की, तो जिसको जो कन्वीनियंट रहता है वैसा, हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि इनका जो सपना पूरा करना है और उनके जीवन में वो खुशी प्रजातंत्र दिवस के जो अवसर है, हम लोग उस पहाड़ में, उस चोटी में जाकर अपने स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। यस यस, मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहता हूँ हमारे जो श्री राहुल शेवाली जी सर हैं, उन्होंने हमें ये जो हमारा ट्रैक है उनके लिए उन्होंने हमारे स्पॉन्सरशिप दी हमारे लिए पूरी, और उनके उनकी उनकी जो ताई है, जैसे हमारी जो वहनी है कामिनी ताई, उनका जो राधा फाउंडेशन है उनके थ्रू भी हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला है। तो उन दोनों को, दादा को और वहनी को, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये हमारा ट्रैक के लिए स्पॉन्सरशिप दे के हमें प्रोत्साहन दिया है, और जो हमारे बाकी के जो हमारे सपोर्टर हैं, जैसे पांचाल दादा हैं, उसके बाद हमारे युवा सेने के विभाग अधिकारी सत्यवान पांचाल, आणि आमचे काय त्यांचं नाव, हाँ
पांचल सर है मदती अमितपर्यंत आज आलो है। आता आम्मी आम जर्नी स्टार्ट करते हैं और मेरी सबसे पहली बार तो मैंने कलसुबाई सिर्फ मैंने बुक में पढ़ा था कि कलसुबाई है जो महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक है। तो लेकिन मेरा एक ऐसा ये था कि कैसे होता है क्या होता है। तो एक बार मैंने जस्ट अभी विनोद जो हमारी अभी शादी हो गई है लेकिन हम तब फ्रेंड थे तो ये हमेशा बता देते कि ये ऐसे ऐसा है हम लोग जाते हैं। तो मैंने बोला मैंने बुक में पढ़ा है तो मुझे बोले तुझे जाना है क्या। मैंने बोला हाँ मुझे जाना है। तो वो टाइम ऐसा था कि अभी तक कोई भी एक व्हीलचेयर वाला पर्सन कभी ऊपर तक गया नहीं है क्योंकि वहाँ के जो रहने वाले हैं जो वहाँ के जो प्रोफेशनल वॉलेंटियर जो लोगों को ऊपर से गिरे हुए लोगों को नीचे उठा के लेके आते हैं तो उन्होंने पहली बार किसी पर्सन को उठा के वो लोग ऊपर लेके गए और 5400 फीट तक उन्होंने मुझे एक पालकी बना के ऊपर से नीचे से वो लोग ऊपर मुझे लेके गए। और वो जर्नी जो थी वो बहुत ऑसम थी, मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और मैं चाहती हूँ कि हर हमारे जैसे व्हीलचेयर पर्सन है जो सिर्फ सपना देख सकते हैं या सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन ये हमारे सपना सच भी हो सकता है। तो ये हमारा जो कॉन्वॉय कंट्रोल क्लब है हम बस हमारे दिव्यांग लोगों के सपनों के लिए काम करेंगे और हम लोग करते हैं हमेशा कि वो अपने कुछ लाइफ में कुछ हासिल करें। हम एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे विभाग प्रमुख श्री अविनाश रानी जी का कि डे वन से वो हमारे साथ है हमारे हर एक चीज़ों के लिए, डिज़ाइन बनाना, लोगो बनाना और बैनर कैसा मतलब क्या मैटर लिखना हर चीज़ों के लिए हमको क्या क्या चीज़ लग रहा है तो उसके बारे में पूछना कुछ और कमी है क्या नहीं है आगे क्या होगा गाड़ी का बंदोबस्त हुआ क्या नहीं। सो आई एम सो ग्लैड कि हमें हमारे जो नेतृत्व हमारे जो सपोर्ट इतने स्ट्रांग लोग हैं शिवसेना विभाग प्रमुख श्री अविनाश राणे जी हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार ज़ोरदार ताली बजा के रात को हमारे लिए यहाँ पे खड़े आज तक किसी ने हमारे लिए इतना समय नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच। पहिल्यांदाच चालली आहे आणि मला हे बघायचंच होतं तर आज ह्या सरांमुळे मला बघायला भेटणार आहे। नाही त्यांच्याबद्दल पण खूप मला असे इनके बारे में मैं बरोबर आपण म्हटलं की उद्या आपला प्रजासत्ताक दिन आहे आणि या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला ही कॉन्वॉय कंट्रोल आणि आमचे रावतजी यांच्या नेतृत्वामध्ये ही त्यांची मोहीम खरं तर 13 वर्ष त्यांनी राबवली आणि 14 वर्ष आहे पण मी आमचं अहोभाग्य समजतो की या 14 वर्षी त्यांनी त्या ठिकाणी कळसुबाईसारखं अतिशय दुर्गम आणि महाराष्ट्रातलं सर्वात उंच शिखर चढण्यासाठी ते जात आहेत आणि त्यावेळी त्यांनी आम्हाला अप्रोच केलं। आमची युवासेनेची टीम आहे सत्यवान आहे प्रितेश आहे यांच्या माध्यमातून मी त्यांना आमचे माननीय खासदार लोकसभेचे गटनेते राहुल शेवाळे साहेब यांच्याशी संपर्क करून दिला आणि त्याचबरोबर आमच्या कामिनीताई शेवाळे यांच्याशी संपर्क करून दिला आणि त्यांना अतिशय आनंद झाला की आपण यांना दिव्यांग म्हणतो परंतु दिव्यांग असून सुद्धा एवढं मोठं शिखर आज सक्षम लोक पण चढायला धास्तात म्हणजे त्यांना वाटतं की भीती वाटते की आपण एवढं चढू शकतो की नाही परंतु हे 13 वर्ष गेलेले आहेत आणि 14 वर्षामध्ये आज तिकडे जात असताना त्यांनी आम्हाला त्या ठिकाणी त्यांची सेवा करण्याची त्यांच्यामध्ये सहभागी होण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी रावतजी यांचं आभार व्यक्त करतो। या ठिकाणी आमच्या महिला भगिनी आहेत त्या आपण त्यांच्या बाई त्यांनी घेतलात की त्यांची जिद्द बघून म्हणजे त्यांची जिद्द बघून आपल्याला लक्षात येईल की प्रत्येक व्यक्तीला हे लक्षात येईल की तुम्ही जर निश्चय केलात तर तुम्ही कुठलाही पहाड चढू शकता कुठलाही निर्णय तुम्ही घेऊ शकता आणि तो यशस्वी करू शकता। या ठिकाणी उद्या खरं तर प्रजासत्ताक दिन आहे भरपूर कार्यक्रम आहेत परंतु माझा चिरंजीव अक्षय राणे या ठिकाणी त्यांच्या मोहिमेमध्ये सहभागी झालेले आहे आणि त्यांनी याच्या अगोदर एक 2 वेळा एक कळसुबाई शिखर केलेला आहे पण त्याला जेव्हा लक्षात आलं तो देखील युवासेनेचं काम करतो आणि त्याच्या जेव्हा लक्षात आलं की तेव्हा सत्यवान आणि प्रितेशने सांगितलं की हे कळसुबाई शिखर जात आहेत तर त्यांनी ताबडतोब निर्णय घेतला की मी देखील त्यांच्याबरोबर जातो आणि शिवसेनेच्या माध्यमातून आज हे दिव्यांगे म्हणू शकत नाहीत मी हे आपले यशस्वी योद्धे म्हणू शकतो की त्या कळसुबाई शिखरावर पोहोचत आहेत आणि माननीय खासदार राहुल शेवाळे साहेब आणि माननीय आमच्या कामिनीताई शेवाळे यांचं सहकार्य त्यांना लाभलेलं आहे आणि शिवसेनेच्या वतीने मी त्यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय हिंद जय महाराष्ट्र। Beep.